लोगों ने ये भी प्रयास किया कि जो लोग पार्लियामेंट में हमारे हित में मुद्दे नहीं उठाते हैं उनको हम सम्मानित क्यों करते हैं। तो जिन लोगों से हमारी बातें हुई उनको हमने समझाने का प्रयास किया और वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। हमारी जो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है वो इसके फॉर्मेशन से ही बाबा साहब का जो संविधान और बाबा साहब की जो विचारधारा है उस पर चलती है और बाबा साहब की विचारधारा ये थी कि हर किसी परिस्थिति में जो आरा हम लोगों ने जिसको चुनकर के भेजा है उसको हमारी बात उठाने के लिए मजबूर करने का अधिकार हमारे पास है और यदि हम उससे दूरी बढ़ाएंगे तो हम उसको दोष नहीं दे पाएंगे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा जो तत्कालीन सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उससे मेल नहीं खाती, वो बिल्कुल उसके समर्थक नहीं थे लेकिन उन्होंने लंबी लड़ाई के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि जो अपॉर्चुनिटी उनको संविधान बनाने की मिल रही थी उसको यदि वो स्वीकार नहीं करते तो ये भारत का संविधान हमारे समक्ष नहीं होता और यदि वो भारत का संविधान नहीं लिखते तो हमारे हित में जो काम हुए हैं हमारे हित में जो प्रावधान हुए हैं उसका लाभ हमको नहीं मिलता। उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए और सिस्टम में घुस करके और अवसर प्राप्त किया और जो अवसर उनको मिला उसका उन्होंने फायदा उठाते हुए हमारे हित में काम किया। यही बात हमारे सांसदों के ऊपर लागू होती है कि वो भले किसी भी विचारधारा की पार्टी में है लेकिन हमारा यदि आर्मिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उनको सम्मानित करने के बहाने या बुलाता है और समाज की बात करता है और भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उनको लागू करवाने के लिए मांग करता है या उनको इस बात के लिए इंसिस्ट करता है कि वो हमारी बातों को पार्लियामेंट में उठाए तो मैं समझता हूं कि ये कोई बुरा काम नहीं। हमारे मीडिया के साथियों ने भी हमसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आपने पहले भी ऐसा सम्मेलन किया है और स्वागत किए हैं तो क्या इन लोगों ने कोई काम किए। हमने उनको भी बताया और आपको भी हम बताना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो काम वो करें या उन्होंने किया हो लेकिन हमको कुछ प्रतिशत इसमें उपलब्धि हासिल हुई है। जब 2010 में इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने कन्वेंशन ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी एक सेमिनार रखा था जिसमें करीब 20-22 MP आए थे और उनके सामने जो मुद्दे हमने रखे उसका परिणाम यह हुआ कि जिनमें अर्जुना देवदास साहब भी थे, डॉक्टर PN पुनिया साहब भी थे और भी सांसद थे जिन्होंने आगे ही दिन पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुद्दे उठाए और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास भेजा जिसकी प्रति हमें भी दी गई और उनमें एक दो मुद्दे ऐसे रहे जिनमें सरकार ने स्टेप उठाया। इसी तरह जब पिछली बार हमने लोकसभा के सदस्यों का काल कटोरा में जब सम्मेलन किया तब भी हमने उनके सामने मुद्दे रखे और आपको ध्यान होगा कि जब हमने महाराजी की पदोन्नति में आरक्षण के लिए तो उस समय भी 22 अगस्त 2012 को जो हमने जंतर मंतर पर महाराजी की उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों को बुलाया। हमने हमेशा कांग्रेस के भी सांसद बुलाए, BJP के भी सांसद बुलाए, कम्युनिस्ट पार्टी के भी बुलाए और उन्होंने
सच्चे मन से जो करना चाहिए समाज के लिए वो करने का प्रयास भी किया। तो जो हमारे महारैली हुई उसके बाद अगले दिन आप लोगों को शायद ध्यान होगा पार्लियामेंट में हमारे SC ST के सांसदगण बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष गए और वहां पुष्पांजलि अर्पित और परिणाम ये हुआ कि राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ और वो पास भी हुआ। सभी तरह के लोग हैं, ये सही है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि के बजाय पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन यदि हम उनको अकेला छोड़ देंगे तो मैं समझता हूं जो बाबा साहब ने सुविधा हमें दी है उसका लाभ हम नहीं उठा पाए। हमको उनको जगाना पड़ेगा, हमको उनको बार बार बताना पड़ेगा, हमको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, हमको उनको माला भी पहनाना पड़ेगा और हमको उनको जब आवश्यकता पड़ेगी जब जिंदाबाद और मुर्दाबाद भी करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ मुर्दाबाद ही करें या सिर्फ विरोध ही करें, मतलब हमको हमारी कार्यशैली है उसमें लचीलापन रखना पड़ेगा कि जब कोई अच्छा काम करेगा उसकी जिंदाबाद करेंगे, जब कोई बुरा काम करेगा उसकी मुर्दाबाद करेंगे। हमारे बीच में अभी आपने रामदास अठावले साहब को सुना, इतने सीनियर लीडर हैं, काफी कंफ्यूजन लोगों में पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन उन बहुत सीनियर आदमी है उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है यही वास्तव में एक ऐसा संगठन है जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितों की लड़ाई को लड़ सकता है। और आज वो हमारे साथ, कई लोग मेघवाल साहब के बारे में भी बात करते हैं, आप लोगों ने उन्हीं मेघवाल साहब को देखा है जब फर्स्ट टर्म के अंदर पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवाल उठाए, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में भी उठाए, दूसरे टर्म में भी उठाए, मंत्री बनने के बाद आप जानते हैं कि सवाल नहीं उठाए जा सकते लेकिन काम किया जा सकता है। हम बार बार उनको अप्रोच करके काम करने के लिए उनको उत्साहित करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पदोन्नति आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक की बात की और जिसमें रैली महारैली के बाद विधेयक पास नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी को आदेश हमारे खिलाफ में दे दिए और हमारा जो हाईकोर्ट दिल्ली है उसने दे दिया, जो हमारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने हमारे खिलाफ दे दिया। हमने मेघवाल साहब से संपर्क किया और उन्होंने हमसे एक पेज का ब्रीफ मांगा कि आप मुझे ऐसा बना के दो जो मैं प्राइम मिनिस्टर को अच्छी तरह से समझा सकूं और दे सकूं। और जब हमने वो जाकर के दिया, अगले दिन 4-5 मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को बुलाया और बुलाने के बाद 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जो पहला केस लग रहा था जो इररिलेवेंट था, लेकिन उसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिजर्व के प्रमोशन होने चाहिए, सीनियर आदमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये बात समझाने में हम कामयाब हुए कि ये नागराज को फॉलो नहीं करने से, 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं करने से न तो सीनियरिटी से प्रमोशन मिल रहा है और न आपको अपना जो रोस्टर है उससे प्रमोशन मिल रहा है। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को मालूम पड़ी और उनको समझ में आई तो इमीडिएट हमको एक छोटी सी राहत मिली। तो हमको बड़ी राहत मिलनी चाहिए थी कि 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास होना चाहिए था, लेकिन आप इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यदि ये एसोसिएशन नहीं होता, यदि सांसदों से हमारा लाइजन नहीं होता तो ये जजमेंट भी दिया था, ये कटु सत्य है। और अभी भी हमारा प्रयास है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, पीएल पुनिया साहब से भी हम मिले हैं, आज राठौर साहब भी हमारे बीच में आए हैं और दूसरी पार्टी के सांसद जो भी आए हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे पार्टियों के सारे सांसद मिलकर के एक बात होकर के इस इश्यू पर
यदि प्रधानमंत्री को अच्छी तरह समझा दे तो ये विधेयक पास हो सकता है। ये अलग बात है कि ये आगे बढ़ने का काम कौन करेगा। तो हम उम्मीद लगाए थे हमारे सांसदों से कि इनमें से कोई आगे बढ़े और हमारी जो कठिनाई है उसको समझाए और इसका समाधान करे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सांसदों का सम्मानित करने का और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजित करने के पीछे रहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा आज हमने इतने नाम छापे थे, अभी जो राजस्थान के सांसद हैं, राजस्थान बीजेपी का बीजेपी के ये सांसद सारे, राजस्थान बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदनलाल सैनी साहब, उनका एम्स में स्वर्गवास हो गया अभी, और राजेंद्र साथी सीधे उठ के गए हैं। जिस समय हमारे मंत्री जी आए थे उस समय सभी मंत्री और सांसद हमारे यहाँ आने के लिए तैयार थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के अंदर खुद जाकर के बैठ गए और इम्पोर्टेंट इश्यू के कारण सबको रुकना पड़ा। अभी भी हमने मेजबान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये हमारा प्रयास है, इसको हम उनके घर पर जाकर के और उनको व्यक्तिगत रूप से जो हमारे रह गए हैं सांसद जो मंत्री रह गए हैं उनको ज्ञापन भी देंगे और अपनी जो समस्याएं से रूबरू कर पाए। एक जो इश्यू हमने अभी आज इनमें सेंट्रल कमेटी में डिस्कस किया था, जो पदोन्नति आरक्षण का संबंधित कोर्ट केस का, और दूसरा जो निगमीकरण हो रहा है, ये निगमीकरण का जो मसला है ये भी हमने अपने मेमोरेंडम में लिया है। आपको ये भी बता दें कि जो हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी के नाम, इसको हम उनकी जितने भी हैं जो नहीं आए हैं उनके पास जाकर के और रिकमेंडेशन करवाएंगे और फॉर्मेलिटी लेटर मुझे देना। आपको ये बता दें कि हमने इसमें एसोसिएशन की सुविधा कराने की मांग की है, हमने इसके अंदर 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास करने की मांग की है, और हमने इसमें जो डीआरएम के पोस्टिंग में 5 साल की छूट देने की रिलैक्सेशन देने की हमने इसमें मांग की है। एक हमने जो निगमीकरण हो रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट उसको करके और इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनाने की बात है, उसके खिलाफ हमने रेल मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि इसको तत्काल बंद करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन जहां भी हो रहा है उसे रोकना चाहिए। एक हमने ये मांग की है कि जो हमारी आबादी के अनुसार है वो हमारा रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, 15% के बजाय 17% और 7.5% के बजाय ये 9% होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, जुडिशरी में रिजर्वेशन, एक्स कैडर पोस्ट में रिजर्वेशन, सिंगल पोस्ट में रिजर्वेशन, जिस फील्ड में रिजर्वेशन नहीं है वहां रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, ये हमने इस ज्ञापन में मांग की है। एक ग्रुप ए के अंदर लोएस्ट रन ऑफ की ग्रुप ए तक हमारा रिजर्वेशन है, जब यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आ जाता है उसके बाद में रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलता। इस कारण से हमारे डीआरएम नहीं बन पाते हैं, इस कारण से जो आईएएस होते हैं वो ऊपर के ग्रेडों में सेक्रेटरी के पदों पर वो नहीं पहुंच पाते। तो हमने ये मांग की है कि ये रिजर्वेशन ग्रुप ए की सभी पदों में ये रिजर्वेशन होना चाहिए। एक बैकलॉग वैकेंसी को बढ़ने के बारे में, स्पेशली मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो कैडर है जिसमें लंबे टाइम से भर्ती नहीं हो रही है, तो वहां हमारा एससी एसटी का भारी बैकलॉग है, उसको बढ़ने की हमने बात की है। सफाई वाला कैटेगरी के प्रमोशन के चांस बढ़ाने और जो सफाई वाला के वर्क है उसको जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, उसको रोकने की हमने बात की है। एससी एसटी एम्प्लॉयज के ट्रांसफर के बारे में और उसके बारे में जो इंटर रेलवे ट्रांसफर की पॉलिसी में जो हड़ल आ रहे हैं इसके बारे में हमने डिमांड की है, और दूसरा जो हमारा प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग होता है ये 2 से 3 वीक का प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर पर होना चाहिए, उसके बजाय नाम मात्र का कुछ घंटे का होता है।
और कुछ दिन का होता है, ऑफिस के काम के साथ करना पड़ता है, तो हमने ये मांग की है कि ये प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल पर ही होना चाहिए। एक हमारा देश में बहुत जगह जो ग्रुप बी सर्विसेज है, इसमें जो 5 टाइम का लिमिटेशन है वो होने की वजह से जॉन ऑफ कंसिडरेशन में हमारे SC ST के लोग नहीं आ पाते, इसलिए बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो हमने ये मांग की है कि ये जो लिमिटेशन है ये हटा करके जहां भी SC ST का आदमी मिले वहां तक हमको जाकर के इन पदों को भरना चाहिए। रिजर्वेशन सेल का जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉपर स्टाफ नहीं है, उसके बारे में हमने मांग की है। और जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, मेडिकल फेल हो जाते हैं, जिनको पहले अल्टरनेट अपॉइंटमेंट मिलता था वो आजकल बंद कर दिया है, तो हमने मांग की है कि SC ST का बैकलॉग भरने के बारे लिए, उसका शॉर्ट फॉर्म पूरा करने के लिए जो मेडिकल फेल हो जाते हैं उनको अल्टरनेट अपॉइंटमेंट देना चाहिए। दूसरा हमने जो TC दास साहब ने मुद्दा उठाया कि पूरे देश के हर स्टेट में SC और ST का आबादी डिफरेंट है और बाकी राज्य सरकारों में रिजर्वेशन भी डिफरेंट है, लेकिन ग्रुप डी के जो पद है जो पहले रीजनल बेसिस पर भरे जाते थे तो उसमें रीजनल परसेंटेज अप्लाई होता था, तो वहां के जो लोकल SC ST के लोग हैं उनको ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलता है। अब वो खत्म करके ऑल इंडिया बेसिस करने से 15.5% पूरे देश में अप्लाई होता है, जैसे हमारे राजस्थान में 12% ट्राइबल है, 16% शेड्यूल कास्ट है, लेकिन जब भर्ती होती है तो 15% शेड्यूल कास्ट होता है और 7.5% शेड्यूल ट्राइबल होता है। यदि वो सबको वही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ट्रांसफर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा ही है रेलवे में, ऐसा ही दूसरी रेलों में। तो ये ज्ञापन एक हमने दिया है, इसको हम परसू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने जो सुबह से याद करके और पहले सेंट्रल कमेटी की बैठक में और फिर 4 बजे से यहाँ पर आकर के जो टाइम दिया है, SSB जो सुना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।